चलिए फ्रेंड्स, आज हम झटपट सोया चावल बना के रेडी कर लेते हैं। ये देखिए कितने हमारे टेस्टी सोया चावल बन के रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल होटल जैसा बना हुआ है। ये देखिए काफ़ी शानदार बना है ये। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लग लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का रेसिपी। मैंने ले लिया है चावल, शिमला मिर्च, छोटी मिर्ची, एक टमाटर, प्याज, कोतामरे, आधा नींबू लिया है, ले लिया है और थोड़ी सी मूंगफली ले लिया है, जीरा ले लिया है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची ले लिया है, दालचीनी और काली मिर्ची, और यहाँ ले लिया है और सोयाबीन। तेल डालेंगे हम इसमें। मैंने इसको अच्छे से भिगो के इसको पानी निचड़ के ले लिया है। मैंने खड़े मसाले डाल देते सब। अच्छे से इसको फ्राई कर लेते हैं। तेज पत्ता डाल देंगे। खड़े मसाले को अच्छे से चटकने दीजिए। प्याज डाल देते हैं। हरी मिर्च, शिमला मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छे से सबको मिक्स कर लेते हैं। देंगे टमाटर, में डाल देंगे हल्दी, बिरयानी मसाला डाल देती हूँ 2 चम्मच, लाल मिर्ची 2 चम्मच, इसको भी अच्छे से मिक्स करके ले लेते हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी सोयाबीन, अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। दो चम्मच कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 ग्लास चावल ले रखा है, देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो गया है। ये दही ने भी अपना तेल छोड़ा था। इसमें 2 ग्लास पानी डाल दूंगी मैं। इसमें डाल देती हूँ।
अच्छे से मिक्स कर लेते हैं उसमें नींबू का रस डाल देते हैं। फिर सबको थोड़ा सा हल्के हाथों से मिक्स करके ले लीजिए। कुकर की 2 सीटी लगवा देंगे। देखें सकते हो हमारे चावल अच्छे से पक गए हैं, देख सकते हैं। मिला हल्के हाथों से मिक्स करके ले लेते हैं सबको। देख सकते हो गाइस कितना अच्छा हमारा चावल बना है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। आप इसको ज़रूर बना के देखिए और मेरे को कमेंट करके बताइए आपका चावल ये राइस कैसे बना था। ऊपर से डाल देते थोड़ा सा धनिया, देसी घी, आप देख सकते हैं हमारा चावल बन के रेडी है और बहुत टेस्टी बनता है, बहुत हेल्दी भी है।